नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ललित मिक्स मॉनिटर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं शौचालय योजना आवेदन। दोस्तों, आप अगर शौचालय के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हम यहां पर दो पोर्टल के बारे में बात करेंगे। आप जानेंगे कि कौन सा पोर्टल ज़्यादा ही अच्छा है जिससे हमें ट्रैक करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और हम आसानी से उसको चेक कर सकते हैं कहाँ पहुँचा या कहाँ नहीं पहुँचा। एक पोर्टल ऐसा है जिस पे हम अप्लाई कर देते हैं और उसकी लिस्ट आती है प्रधान के पास, तब हमें मालूम होता है कि हमने अप्लाई कराया था और हमारा नाम आया है या नहीं आया है उस लिस्ट में देख करके। तो चलिए हम दोनों पोर्टल के बारे में बात करेंगे कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे, मैंने यहाँ अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया है और दो टैब यहाँ ओपन कर लिए हैं, आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप एक पोर्टल पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ सर्च बार में सर्च करना है पंचायती राज। आप पंचायती राज पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ एक बार और लिखा हुआ मिलेगा पंचायती राज, आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन होगा, उस पर आपको देखने के लिए मिलेगा शौचालय के लिए आवेदन। तो चलिए यहां प्रोसेसिंग हो रहा है, आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे है महत्वपूर्ण लिंक के नीचे, ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत भवन अंतर्दिष्ट स्थल एवं व्यक्तिगत शौचालय की मांग हेतु आवेदन, आप यहाँ एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन खुल के मिलते हैं। आप पंचायत भवन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या अंतर्दिष्ट स्थल के लिए करना चाहते हैं या व्यक्तिगत शौचालय के लिए। अगर कोई व्यक्ति शौचालय के लिए आवेदन करना चाहता है तो आप यहाँ एक बार क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे तो आपके सामने व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण में से संबंधित फॉर्म ओपन हो जाता है और आप यहां पर अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। चलिए यहां पूरा फॉर्म नहीं दिख रहा है, इस वजह से हम यहां थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। एक बार थ्री डॉट पर क्लिक करने पर आपको ये मोबाइल डेस्कटॉप की साइट पर ले जाना होता है, तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट, आपको इस पर एक बार चेक करना है। जैसे ही आप चेक करेंगे तो आपके सामने इस कंडीशन से ये दिखने लगेगा, आपको यहाँ पर जनपद फिल करना है, ब्लॉक फिल करना है, पंचायत फिल करना है। सॉरी, यहाँ थोड़ा गलत हुआ है, हमको ऑप्शन ये वाला क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ग्राम के लिए, ग्राम पंचायत के लिए व्यक्तिगत शौचालय अपने लिए फॉर्म ओपन हो जाता है। आपको यहाँ आवेदक का प्रकार भरना है, जैसे आप यहां जैसे कोई भी आवेदक है न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या आपका पहले से रजिस्ट्रेशन हो गया है तो न्यू पर आप क्लिक करेंगे। उसी प्रकार से आप जनपद, ब्लॉक, पंचायत, उसके बाद राजस्व, आपके गांव का नाम, उसके बाद आप आवेदक की श्रेणी और आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आवेदक का आधार नंबर, बैंक अकाउंट, बैंक का नाम। इस कंडीशन से आपको IFSC कोड यहाँ फिल करना है। उसके बाद यहाँ सबसे बड़ा इशू होता है दोस्तों, आप यहाँ डॉक्यूमेंट का साइज करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा प्रॉब्लम के साथ आपको ये फॉर्म फिल करना होता है। आप यहाँ पर 20 KB का फ़ोटो अपलोड करेंगे और आधार कार्ड आप 20 KB PDF में फिल करेंगे, ये JPG में, ये PDF और ये भी PDF में, पासबुक को आपको करना होता है। तो ये आपको साइज बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद सेव पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका फॉर्म सबमिट एवं सक्सेसफुली लिख के आता है और आपको कोई भी रसीद आपको नहीं मिलती है। आपको जब ही मालूम होता है, जब प्रधान के द्वारा, शौचालय विभाग द्वारा आप उनको लिस्ट दी जाती है कि इन व्यक्तियों के शौचालय आ चुके हैं, तो प्रधान जी के पास जा कर के आपको चेक करना होता है कि मेरा नाम आया या नहीं आया, हमने शौचालय के लिए अप्लाई कराया था। तो अगर आपका नाम उसमें हुआ तो आपका वेरिफिकेशन होगा और आपका शौचालय बन जाएगा। तो दोस्तों, ये पोर्टल की प्रक्रिया ये है, आप यहाँ देख पाएंगे। इस पोर्टल से आपको कोई भी रसीद प्राप्त नहीं होती है, केवल आपका शौचालय के लिए आवेदन हो जाता है। इस पोर्टल को आपने बहुत ज़्यादा देखा भी होगा और इसी पे ज़्यादातर अप्लाई किया जाता है। न्यू पोर्टल दोस्तों, पोर्टल वो भी पुराना है पर उस पर प्रोसेस थोड़ा अलग है और उसका बेहतरीन क्राइटेरिया है, उसको दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पोर्टल को हम बैक करते हैं, आप दूसरे टैब को ओपन करेंगे। हम यहाँ पर टैब वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, टैब पर ओपन करेंगे, हम दूसरे टैब में आ जाएंगे। ये हमारा टैब खुला हुआ है, आपको इस पर एक बार क्लिक करना है और आपको लिखना है, ब्राउज़र पर खोलना है स्वच्छ भारत मिशन या SBM लिख देंगे,
तब भी आपके सामने इस कंडीशन से पेज खुलेगा। आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पर लिंक मिलेगी स्वच्छ भारत मिशन, आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, इस पोर्टल की थोड़ी ख़राब बात यह है कि ये पोर्टल बहुत बिजी रहता है। इस पर आप सुबह ही वर्क करेंगे तभी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपको यहाँ एक फॉर्म यहाँ मिलेगी लिंक, एप्लीकेशन फॉर्म N4IHHL, आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस कंडीशन से रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मांगता है। तो दोस्तों आपको यहाँ थोड़ा इसको डेस्कटॉप साइड कर लेना है। आप यहाँ जाएंगे, डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आप नए हैं तो आपको यहाँ सिटीजन पर एक बार क्लिक करना है। आप जैसे ही सिटीजन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस कंडीशन से फॉर्म खुलेगा। आपको यहाँ कोई भी अपना मोबाइल नंबर डालना है, जैसे मैं यहाँ कोई भी रेंडमली डाल देता हूँ। उसके बाद आप नाम फिल करेंगे, चलिए मैं ये पूरा फिल करता हूँ, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सिटीजन रजिस्ट्रेशन में ये मोबाइल नंबर, नाम ये मैंने रैंडमली भर दिया है, ये किसी का नाम नहीं है, यहाँ मेल भरा है, उसके बाद विलेज उसी हिसाब से लिख दिया है, कमी वगैरह, और उसके बाद आपको स्टेट भरना है। उसके बाद आप कैप्चा कोड फिल करेंगे, कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको सबमिट पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन, काइंडली यूजर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एज लॉग इन आई डी एंड लास्ट 4 डिजिट एंड पासवर्ड लॉग इन। तो दोस्तों आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर बन जाता है और आपका मोबाइल नंबर के 4 डिजिट पीछे के आपका पासवर्ड बन जाता है। तो अब आप यहां बैक आएंगे और उसी पेज पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस कंडीशन से फिर से डैशबोर्ड खुलेगा। अब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपने जो मोबाइल नंबर वहां फिल किया था, आपको वो फिल करना है। उसके बाद आप यहां पासवर्ड फिल करेंगे। तो चलिए मैं यहां मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिल करके आपको, दोस्तों मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर भर दिया। उसके बाद आप पासवर्ड यहाँ फिल करेंगे, जो आपके मोबाइल का लास्ट डिजिट होता है। उसके बाद आप यहाँ कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना है। दोस्तों अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको फॉरगेट पर क्लिक करना है। दोस्तों मेरे को यहाँ पासवर्ड याद है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ। साइन इन पर क्लिक करते ही दोस्तों आपका पोर्टल अपने अलग टाइप से खुलता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, आप देख सकते हैं इनका नाम सुभाष चंद्र है और आप यहाँ पूरा फुल उनका प्रोसेस देख सकते हैं। आप यहाँ पूरा उनका नाम और एड्रेस वगैरह फुल देख सकते हैं। उसी हिसाब से आप यहाँ पर इनके यहाँ 3 डॉट पर एक बार क्लिक करेंगे। आप 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे अप्लाई करेंगे, आपका फॉर्म यहाँ ओपन हो जाएगा। नहीं तो आप अपना व्यू एप्लीकेशन फुल प्रोसेस देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पासवर्ड सिंपल या कठिन बनाऊँ तो आपको यहाँ चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने एप्लीकेशन मैंने अप्लाई कर रखा है, मैं देखना चाहता हूं मेरा एप्लीकेशन कहां तक पहुंचा, मैं ट्रैक कर सकता हूं या नहीं, तो मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप चाहते हैं व्यू एप्लीकेशन देखना तो आप यहां क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहां सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मैं अभी सेकेंड ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होगा, आप वहां देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी ये मैं शाम को वीडियो बना रहा हूं, यहां पर आपको एरर दिख रहा है, ये साइट ज़्यादातर बिजी रहती है। आपको यहां अप्लाई करना है तो आप सुबह में कीजिए। मैं एक बार और क्लिक कोशिश करता हूं। अब ये दोस्तों रिडायरेक्ट हो गया इसी पेज पर। दोस्तों आपको मैं अप्लाई करना दूसरी वीडियो में बताने वाला हूँ, किस तरह से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। पूरा प्रोसेस आप रजिस्ट्रेशन करके रख लीजिए और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जब भी साइट खुलेगी आप रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत, जहाँ आपको लिखा हुआ मिला था न्यू रजिस्ट्रेशन, चलिए मैं दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे कि लॉगिन करके आप इस पेज पर आते हैं, आपको यहाँ 3 डॉट मिलता है। आप 3 डॉट पर जैसे ही क्लिक करेंगे
यहाँ क्लिक करेंगे, आपको इस यार आपको पासवर्ड और मोबाइल नंबर डाल करके खोल लेना है। ओपन होते ही आपके न्यू रजिस्ट्रेशन से आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ कोई फीस चार्ज नहीं होती, आपको मात्र यहाँ पासबुक को अपलोड करना होता है, वो भी 200 KB में। तो वहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही डॉक्यूमेंट की कोई प्रॉब्लम होती है, ना ही आपको फ़ोटो अपलोड करना होता है, ना ही आपको आधार अपलोड करना होता है। पूरा डाटा आपका यहाँ पर पहले से ही रजिस्टर्ड हो जाता है। आप यहाँ केवल मोबाइल नंबर से और पूरा प्रोसेस वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।